Today on Sound Custom Gurus. हेलो गाइस, वेलकम बैक टू सॉन्ग कस्टम ग्राज वंस अगेन। सो आज एक बहुत ही लंबे समय बाद मेरी मित्सुबिशी लैंसर प्रोजेक्ट के ऊपर एक नया अपडेट। लास्ट टाइम मैंने वीडियो तकरीबन 2-3 हफ्ते पहले बनाया था, जिसमें मैंने आपको ये दिखाया था कि कार की जो फ्रंटिंग का जो काम था वो कंप्लीट हो चुका है। लेकिन उसके बाद ही मैंने ना ही कार के ऊपर कोई वीडियो बनाया, ना ही कार के ऊपर कम्युनिटी पोस्ट दिया, बल्कि कुछ भी ने कहा कि उस कार का एक्सीडेंट क्या हुआ। वेल, तकरीबन एक महीने से भी ज़्यादा हो चुका है मैं इस कार में काम कर रहा हूँ, लेकिन ये कार तो वेल कंप्लीट होने का नाम ही नहीं ले रहा है, क्योंकि सबसे बड़ी प्रॉब्लम यह है कि वेल एक काम कंप्लीट करते हैं उसके बाद एक नया काम अपने आप निकल आता है। वेल इसी प्रॉब्लम की वजह से इस कार में बहुत ही ज़्यादा टाइम ले रहा है। वेल मैंने आज तक जितनी भी कार्स तैयार किया है वो सभी कार्स मैक्सिमम 15 डेज के अंदर कंप्लीट हो जा रहा है, जबकि ये कार लगभग एक महीने से भी ज़्यादा उसका है, पर यह कार अब भी कंप्लीट नहीं हो रहा है। लेकिन वेल कल वीडियो नहीं आया था क्योंकि मैंने कल पूरा दिन कार में काम किया, और कल पूरा दिन काम करने के बाद आज सुबह भी मैंने कार में थोड़ा सा और अपडेट किया, जिसकी वजह से अब कार में काफ़ी काम कंप्लीट हो चुका है और आज का ये वीडियो उसी कार के ऊपर है। तो क्या आप इस कार को देखने के लिए तैयार हो? ओके, इस कार पे से आने ही वाला है। 1, 2 and 3 तड़ा, द मोस्ट बिग अपडेट ऑन द हैंडमेड मित्सुबिशी लैंसर एवोल्यूशन। ये देखिए, तो पूरे एक महीने में ये सबसे बिग अपडेट है, क्योंकि पिछले जितने भी बार मैंने आपको ये कार दिखाया है, वेल उन सभी वीडियोस में ये कार बस एक कागज़ का डिब्बा जैसे ही लग रहा था, क्योंकि आउटर पैनल्स का काम एक्सट्रीम लेवल शुरू ही नहीं हुआ था, लगभग एक महीने से भी ज़्यादा हो चुका है। लेकिन आउटर पैनल्स का काम अब जाकर शुरू हुआ है। वेल आउटर पैनल्स का काम आज से तकरीबन एक महीने पहले ही शुरू हो जाना चाहिए था, और अभी तक तो ये कार पुराना ही हो जाना चाहिए था, मतलब बनकर भी कंप्लीट हो जाना चाहिए था, लेकिन एक महीने बाद इस कार में जाकर आउटर पैनल्स का काम शुरू हुआ है। और वैसा होने का रीज़न ये है कि तकरीबन 2-3 हफ्ते से मैंने इस कार में कुछ भी नहीं किया है। तकरीबन 2-3 हफ्ते से ये कार धूल मिट्टी से भरा हुआ मेरे शोकेस के ऊपर पड़ा हुआ था। बस कल मैंने कार को देखा और मैंने सोचा कि इस कार का तो हालात धीरे धीरे बिगड़ना शुरू हो गया है, सो इसलिए मैंने कार को पूरी तरह से साफ किया, क्योंकि इस कार में ऑलरेडी काफ़ी काम कंप्लीट हो चुका था। सो इसलिए अगर मैं इस कार को इस तरह से अचानक से एमेंडन कर दूंगा तो इससे वेल नुकसान तो मेरा ही होगा, क्योंकि मैंने कार में पहले से काफ़ी काम कंप्लीट कर दिया है। सो अगर ये कार इस तरह से पड़े पड़े ख़राब हो जाएगा तो उसके बाद नुकसान मेरा ही होगा। और इसलिए मैंने क्या किया कि कल मैंने कार में कुछ और नए अपडेट्स करने की सोचा, और कल मैंने पूरा दिन काम करके इतना अपडेट्स कार में कंप्लीट किया। सो आज सुबह में मैंने कुछ दूसरे काम किया, जैसे कि जो साइड पैनल वाली जो काम है ये बस मैंने आज सुबह किया है, लेकिन रूफ वाला काम बिल कल ही कंप्लीट हो गया था। सो ये जो आप देख रहे हैं ये बाहरी वाली जो सीट है ये एक्चुअली में आर्ट पेपर की मदद से बनाया गया है। आर्ट पेपर के ऊपर मैंने रिफ्लेक्टिव वाउंड रैपिंग भी फिट कर दिया है, जिसकी वजह से ये काफ़ी शाइनी दिख रही है और बिल्कुल प्लास्टिक या फिर कहूँ मेटल की तरह ही दिख रही है। यहाँ पर कोई भी जॉइंट भी नहीं है, क्योंकि ये पूरा एक ही सीट की मदद से बनाया गया है। प्रॉब्लम सिर्फ यही है कि साइड वाली जो पैनल्स है, वेल मैंने जल्दी में इसमें बॉडी लाइन से बनाना भूल गया। मैं आमतौर पे वेल बॉडी लाइन्स को वेल वाउंड रैपिंग करने से पहले तैयार कर लेता हूँ, लेकिन इस कार पे मैं वैसा कुछ भी नहीं कर पाया, एक्चुअली मैं पूरी तरह से भूल गया। अब बस फिलहाल मुझे इसी बात का चिंता है कि अगर मैं बॉडी लाइन्स अब रिक्रिएट करूँगा तो इसे वाउंड रैपिंग का ख़राब हो जाने का संशय है, जो कि मैं रिस्क नहीं ले सकता। लेकिन किसी तरह तो इस वाउंड रैपिंग को एकदम सेफ तरीके से वेल बॉडी लाइन्स को रिक्रिएट करना ही होगा। और अगर बात करें वेल डोर लाइन्स की, तो डोर लाइन्स को एक्चुअली में डायरेक्टली कट करके ही बनाया गया है। सबसे पहले तो मैंने आर्ट पेपर पे इन लाइंस को वेल पहले से कट कर लिया, उसके ऊपर मैंने वाउंड रैपिंग अप्लाई किया, फिर उसके बाद जो अंडर की जो लाइंस है जो कि मैंने पहले कट कर लिया था, मैंने उन्हें दबा दबा कर अंडर की तरफ घुसा दिया, जिसकी वजह से आप कैसा हुआ कि जो ये जो डोर लाइन्स है ये बिल्कुल असली डोर लाइन जैसी हो गई है। मैंने हर एक पैनल्स को बिल्कुल एक ही सीट की मदद से बनाया है। मैंने आर्ट पेपर का एक बड़ा सा सीट लिया जिसमें मैंने सब पैनल्स को पहले ही ड्रॉ कर लिया। यहाँ पर बम्पर्स वगैरह के लिए मैंने स्लॉट्स ऑलरेडी बना लिया है, जिसकी वजह से आप बाद में जब मैं बम्पर्स को फिट करूंगा तो मुझे थोड़ा सा भी प्रॉब्लम नहीं होगा। सो अभी हुड और इवन फ्रंट एंड का काम अभी बाकी है, और ये जो आप लोग इंस्टॉलेशन है ये टेम्पोरारी इंस्टॉलेशन है, व्हील्स भी टेम्पोरारी इंस्टॉल हुआ है, बाकी जो कुछ भी ये सब अंडर पैनल का काम भी करना बाकी है। मैंने फिलहाल टेम्पोरारी इंस्टॉलेशन इसलिए किया है क्योंकि वैसे भी कार में अब भी काफ़ी काम बाकी है, अंडर का जो कुछ भी हिस्सा है उन्हें भी थोड़ी बहुत पेंट करने की जरूरत है, क्योंकि ये जो येलो वाला हिस्सा देख रहे हैं आप ये पुराने वाले हिस्सा है, तो इन सब चीज़ों को ब्लैक कलर में पेंट करना होगा, क्योंकि उसके बाद ही आउटर पैनल्स का फाइनल इंस्टॉलेशन होगा।
हालांकि रूफटॉप तो फाइनल इंस्टॉलेशन ही हो चुका है, बस साइड पैनल्स और व्हील्स का इंस्टॉल होना बाकी है। व्हील्स भी फिलहाल मेरे पास ऐसा ही फिट करके रखा है लेकिन ये फाइनल इंस्टॉलेशन नहीं है। अगर बात करें बम्पर्स की तो जैसे कि अभी मैंने कहा कि मैंने ये सब कट करके रखा है लेकिन फिलहाल मैंने बम्पर को रेडी नहीं किया है। बम्पर कब तक रेडी होगा वो मैं गारंटीडली नहीं कह सकता, लेकिन इस कार को कंप्लीट होने में अगर मैं इस कार में इस तरह से अगर हर दिन काम करूँगा सो मोस्ट लाइकली ये कार और कुछ दिनों में कंप्लीट हो जाएगा। और इस बार मैं कार का काम रोकना नहीं चाहता क्योंकि पिछली बार मैंने क्या किया था कि अचानक से मैंने इसका काम रोक दिया था जिसकी वजह से इस कार में बिल्कुल भी काम कंप्लीट नहीं हो पाया, लेकिन इस बार मैं वैसा नहीं करूँगा और कुछ दिनों के अंदर ये कार मैं पूरी तरह से कंप्लीट करने की सोच रहा हूँ। और इवन इस कार में अभी तक काफ़ी काम ऑलरेडी कंप्लीट हो ही चुका है, लेकिन ये चीज़ मैं ये क्या कह सकता हूँ कि इतने सारे प्रॉब्लम्स चलने के बाद भी ये कार अभी कितना कूल दिख रही है। सो जब ये कार पूरी तरह से कंप्लीट हो जाएगा तो उसके बाद ये कार वाकई में कमाल की दिखेगा, ये चीज़ तो मैं एकदम गारंटीडली कह सकता हूँ। हाँ सो आज के लिए बस इतना ही, फिर मुलाकात होगी मेरी एक और नई वीडियो में जिसमें मेरे को ऐसे ही और भी कमाल की कस्टमाइज की गई और मेरी खुद की तैयार की गई स्केल मॉडल कार्स दिखाने की कोशिश करूंगा। लेकिन तब तक अगर आपको ये वीडियो सब में पसंद आया दे डोंट फॉरगेट टू लाइक कमेंट शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल एंड आल्सो क्लिक द बेल आइकन सो यू विल गेट नोटिफिकेशन ऑफ एवरी न्यू वीडियो। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग माय वीडियो, हैव अ नाइस डे।